नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से प्रस्तुत हूं आपके सामने रेड लेडी 786 ताइवान पपीता का पैकेट लेकर के। देख सकते हैं ये 2 ग्राम का पैकेट है। इसको मैं आज आपको काट के दिखाऊंगा और इसमें दिखाऊंगा कि कितने बीज निकलते हैं। और देखिए ओरिजिनलिटी के लिए चमकीले वाले पार्ट पे आपको नो न्यू सीड इंग्लिश लैंग्वेज में और चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा ये चमकीले वाले पार्ट पे। और जो पहचान होती है वो भी मैं आगे बताऊंगा कि असली बीज की आप पहचान कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए इसमें लॉट नंबर, डेट ऑफ टेस्टिंग, डेट ऑफ पैकिंग सब कुछ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये 2 ग्राम का पैकेट है, 940 रुपये इसका प्रिंट रेट है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस पर दिखाई दे रही होगी। और अगर आप सीड लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से आप इसको अपने घर पर मंगवा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको काट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कितने सीड्स निकलेंगे, क्योंकि जनरली किसान जब कॉल करते हैं तो वो पूछते हैं, उनका पहला सवाल यही रहता है कि 10 ग्राम के पैकेट में कितने बीज निकलते हैं और 2 ग्राम के पैकेट में कितने बीज निकलते हैं। तो 10 ग्राम के पैकेट में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन 2 ग्राम वाला नहीं बनाया था, तो वो मैं आज आपको काट करके बीज काउंटिंग करके बना करके वीडियो दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने पैकेट काट दिया है, देख सकते हैं, और ये बीज देख सकते हैं अंदर गोल्डन कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको। चलिए मैं आपको हाथ में लेकर के दिखाऊंगा अभी, पहले देखते हैं पैकेट से बीज निकाल लेते हैं। देख सकते हैं ये बीज निकाल गए, और बीज ओरिजिनल होगा तभी आपको अच्छी पैदावार मिलेगी, क्योंकि ये सब जानते हैं कि बीज अगर ख़राब है तो आपकी फसल भी अच्छी नहीं होगी, नर्सरी भी अच्छी तरह से तैयार नहीं होगी। तो बीज सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर बीज आपको ओरिजिनल नहीं मिल रहा है तो आपकी पपीते की खेती में आपको नुकसान होना निश्चित है सर। तो ओरिजिनल बीज अवश्य लें और ऑनलाइन पेमेंट जितना हो सके उतना करने से बचें। देख सकते हैं मैं आपको हाथ में लेकर के दिखा रहा हूँ। देखिए बीज दिख रहा है आपको गोल्डन कलर का, लाइट ग्रीन और गोल्डन कलर का बीज आपको दिखाई दे रहा है। ये दूसरी पहचान होती है ओरिजिनल बीज की, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप इसको मंगवा सकते हैं अपने घर पे, स्टॉक में कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पास स्टॉक काफ़ी फुल है, तो कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से ये आपके घर पर पहुँच जाएगा। 2 ग्राम का पैकेट अगर आप मंगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 300 रुपये का एडवांस पेमेंट करना है, और बाकी का बचा हुआ पेमेंट आपको डिलीवरी के टाइम पे घर पे पेमेंट करना है। वही सेम चीज़ देखिए इसमें नो न्यू सीड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं पैकेट पे। तो बाकी अगर 10 ग्राम का पैकेट मंगाना है तो उसके लिए आपको 500 रुपये का एडवांस पेमेंट करना है, बाकी का बचा हुआ पेमेंट आप डिलीवरी के टाइम पे कैश ऑन डिलीवरी में पे कर सकते हैं। तो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स ज़्यादा चल रहे हैं, इसलिए उससे बचने के लिए आपको बचना चाहिए ऑनलाइन पेमेंट करने से। कुछ पेमेंट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरा पेमेंट कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका पैसा खतरे में है। और इस चीज़ के लिए आजकल सभी बहुत सारे किसान इस चीज़ के शिकार भी हो गए हैं, तो सब लोग जानते हैं। तो देख सकते हैं स्टॉक में कोई कमी नहीं है, हमारे पास आइस बेरी, ग्रीन बेरी, कैलिना, VNR शबनम, VNR अमीना, VNR विनायक, 15 नंबर वैरायटी, EXP 15, सारी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। जो वैरायटी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से आप इसको अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं। कोई भी वैरायटी, 10 ग्राम की वैरायटी के लिए आपको 500 रुपये एडवांस पेमेंट करना है, 2 ग्राम की कोई भी वैरायटी के लिए आपको 300 रुपये एडवांस पेमेंट करना है, और दिए गए नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं। तो चलिए मैंने काउंटिंग शुरू कर दी है, देखिए मैं दिखाता हूँ। नॉर्मली दोस्तों अपने भारत में 2 बार फार्मिंग होती है पपाया सीड्स की, पपीता के बीज की। दो जो पहला टाइम होता है फरवरी और मार्च का, और दूसरा टाइम होता है सितंबर और अक्टूबर का। तो जो ये टाइम मैंने आपको बताया है उस टाइम से पहले आपको 45 दिन पहले यानी कि 45 से 50 दिन पहले आपको नर्सरी बना लेनी है। कहने का मतलब है खेत में लगाने से पहले आपकी नर्सरी कम से कम 45 या 50 दिन की होनी चाहिए। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फार्मिंग है और प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छी खासी खेती है। तो इसमें मैंने जो काउंटिंग करके जो बीज सीड्स का जो मात्रा बनाई वो 210 निकले मेरे पैकेट में, इसमें 210 निकले हैं। तो इसमें 200 भी निकल सकते हैं, 180 भी निकल सकते हैं और 190 भी निकल सकते हैं। तो काउंटिंग कंप्लीट नहीं है क्योंकि वेट देखा जाता है। किसी भी सवाल जवाब के लिए आप हमको दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग सन ऑफ फार्मर, प्लीज़ स्टे कनेक्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो।